भी शुरू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। जैसा आप देख रहे हैं पीछे का जो शोर है ये भाई किसी और का शोर नहीं है, कोई रैली नहीं है, ये भाई बेरोजगार जो युवा साथी है वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 7 नवंबर से धरने पे बैठे हैं। 32,000 भर्तियां जो कोर्ट में अटकी हुई है उनको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे ये एकत्रित हुए हैं और अनिश्चित काल तक धरने तक बैठे हैं। एक एक से बात करेंगे, चलते हैं आगे। तो भाई एक एक से बात करते हैं, आप में से भाई जो अपना ये धरना चल रहा है 7 नवंबर से अनिश्चितकालीन तक, जिसमें 32,000 भर्तियों की जो मांग है वो कोर्ट में अटकी हुई है। अब बहुत सारे कह देते हैं कि कोर्ट में है, इसका क्या समाधान निकलेगा, हम धरने पे बैठे हैं, आप इसके बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले मैं खट्टर सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने हरियाणा के युवाओं को पढ़ना सिखाया कि पढ़ो और नौकरी पे लगो। कोई बच्चा कैंडिडेट पहले उस पे सिफारिश पे लग जाता था, लेकिन हरियाणा सरकार ने, अब बीजेपी सरकार ने जो मैरिट के आधार पर नौकरी देने की पेशकश की है, लेकिन हमारे जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने छोटे मोटे काम छोड़ के पढ़ाई शुरू कर दी ताकि मैरिट के बेस पे हम नौकरी प्राप्त कर सकें। लेकिन अब समस्या यह आ गई है, लेकिन बच्चे 6-6 साल से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, दिहाड़ी भी नहीं करते, क्यों? दिहाड़ी करेंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी, और पढ़ाई करेंगे तो, अगर पढ़ाई छोड़ेंगे तो दिहाड़ी पे जाएंगे, तो मतलब दिहाड़ी भी छूट गई। हम तो यही कहेंगे सरकार से भाई जितनी भर्ती हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जैसे मैं आऊँगा पुंडरी से आया हूँ भाई, मेरे बाप ने मेरे को गाड़ी दी लगाई नहीं, रोटी नहीं दी, नहीं जब बग जाए दिहाड़ी लिया चाहे चुन लिया, भाई उठा भूखे मर गए। 5-5 सालों के पढ़ देना, हम फायर ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं, हम 6-6 सालों के पढ़ देना, 9-9 घंटे पढ़ देना, कोई इस तो पर क्या करा अभी हम हैं, सारे घर के गुआंड के गाड़ी लग गए देन, दाढ़ी भी दौड़ी होली, भाई कितना पढ़ा भाई हम तो सरकार तो यही गुहार करा भाई, जितने भी पद हैं ग्रुप सी के उसमें फायर ऑपरेटर आ गए, टेक्निकल आ गए, 56 स्थान आ गए, सबको कंप्लीट करके अपने वादे पर कायम रहे, मेरे तो यही सरकार से विनती है। बिल्कुल भाई, और आगे बात करते हैं भाई आप में से, तो आप कहाँ से हो? जी मैं जज्जर से हूँ। अच्छा अच्छा जी जी, तो यहाँ आप 7 नवंबर से बैठे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये जो अपने 32,000 भर्तियाँ हैं इनका किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है, आपका क्या मानना है, अभी बाहर कैसे निकाला जा सकता है इनको? जी सर देखो, पिछली 4 तारीखें लगातार जा चुकी हैं, पूरी सीईटी पॉलिसी जो है ना कोर्ट में चैलेंज की हुई है, लेकिन पिछली 4 तारीखों में केवल ना तो कोई बहस हुई है कोर्ट में, ना कोई सुनवाई होती है, केवल 1 या 2 मिनट की सुनवाई होती है, उसी में एजी मैडम जो है ना जाके ने वहाँ पे समय की मोहलत के बहाने में नेक्स्ट डेट ले लेती हैं, तो उसमें तो सॉल्यूशन कोई निकलेगा नहीं, वहाँ पे बहस करो। हम तो ये चाहते हैं कि या तो आप कोर्ट को कन्विंस करो या फिर जो कोर्ट बोल रहा है उसको मानो, जो है ना पॉलिसी में। अच्छा एक बार ये बताओ आपकी मांग क्या क्या है, फटाफट 2 शब्दों में। जी हमारी मांग केवल एक ही है, जो ये 32,000 भर्ती सीईटी ग्रुप सी की हैं, 32,000 पदों पे, इनकी जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करवा के सभी ग्रुपों का पेपर लेके उनकी प्रक्रिया को समाप्त करके हमारी ज्वाइनिंग दे दी जाए, उसके बाद में सी ग्रुप की पूरी करके उसके बाद में डी ग्रुप की जो 13,500 वैकेंसी हैं उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाए, यही मांग है जी हमारी। मतलब कहने का कि भाई जो 32,000 भर्तियां हैं कोर्ट से बाहर निकाली जाएं, चाहे कैंसिल हो, कुछ भी हो, चाहे पेपर दोबारा हो, है ना, सारा कैलकुलेशन मिला के ये है कि HSSC सरकार पैरवी करे ढंग से कोर्ट में। तो भाई आपसे पूछना चाहेंगे आगे। नमस्कार, कहाँ से हो आप? सर मैं जींद से। अच्छा जींद से आए हो, आज ही आए हो या पहले से आ रहे हो यहाँ पे? पहले भी आई थी सर, थोड़े टाइम के लिए, आज आई हूं। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ बैठने से सरकार मांग सुनेगी? सर आपको कहाँ तक सोचते हो आप इस चीज़ को? मैं इसके बारे में ये सोचती हूँ सर, मतलब कि जितना ज़्यादा बच्चे आएंगे इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, वैसे तो भर्ती तो सर मतलब कि 32,000 लगनी है, जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे सरकार के ऊपर प्रेशर जाएगा कि हाँ भर्ती पूरी करनी है। मेन मुद्दा ये है सर, इसको कोर्ट से बाहर निकाल के जो करना है कैंसिल करो, कुछ भी करो, हमारी मतलब कि 32,000 को पूरी करके दो सर। बात सही बात है, अभी इनका कहना है कि सरकार पे किसी तरह से प्रेशर बने और हमारी आस भी है, कहने का मतलब इनकी आस भी बहुत ज़्यादा है सरकार पे, क्योंकि ये वो सरकार है जो बिना खर्ची पर्ची का अपना दावा करती है और पिछले कई सालों से भर्तियां कर रही है, लेकिन 3 साल से ये भर्तियां नहीं हो पा रही है। और आगे जानने की कोशिश करेंगे बीच में से, आप बताइए भाई।
बोलना चाहोगे और कोई आप में से? इधर अच्छा ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट इधर बैठे हैं भाई। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर दीपक जी, गांव बिठमड़ा से। अच्छा दीपक बिठमड़ा से। तो जो ये 32,000 भर्तियां हैं कोर्ट में अटकी हुई है, ठीक है, इनको बाहर निकाले आपकी मांग है सबकी। बाई द वे बाहर ये सारी भर्तियां ना निकाली गई तो सर प्रोटेक्ट करें जिसके बारे में जो सरकार वादे करती है अपने वादे पे खरा उतरें जी। अच्छा। पहली बात तो जो भर्ती 32,000 की पोस्ट आई है इनको पूरा करें जी। भर्तियों को कोर्ट से बाहर लेके आए सर, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जी। अब ये लगा लियो सर, लगातार एक एक साल से मेहनत कर रहे हैं बच्चे, अगर उस मेहनत का फल नहीं मिलेगा जी, एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्लियर नहीं होगी भर्तियाँ, तो कब तक खर्चा भुगतेंगे जी बच्चे यहाँ पे? ठीक बात है, ठीक है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा भाई, आप बताइए एक और, आप कहाँ से हो? सर नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव, जिला रेवाड़ी से। अच्छा, एक बच्चों की भी हरियाणा में बहुत बड़ी कमी है, मैं बताना चाहूँगा। कोई कैंसल गैंग कहता है कि ये कैंसल गैंग है, कोई कह रहा है यहाँ पे तंबू के नीचे 56-57 के पेपर के लिए बैठे हैं खाली, ये चल रहा है पूरे हरियाणा में। हाँ सर, ठीक है, एक एक मुद्दे पे बात हो कि केवल 56-57 के लिए बैठे हैं और ये कैंसल गैंग है, ठीक है, फलानी कैंसल गैंग है, वो ऐसे है, ये हरियाणा में तालमेल बच्चों का नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप इस पे क्या बोलोगे? ये असल में देखें ना, इसमें छात्र अपने है ना निजी स्वार्थ के हित में फंस रहा है, लेकिन अगर वो आज यहाँ के देखे, ये युवा जो बैठा है, इनमें से किसी की भी मांग ये नहीं है कि ये ग्रुप 56 का है, 57 का, सबकी मांग है 32,000 का। सरकार और सरकार के नुमाइंदे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी जी ने एक इंटरव्यू में दिया था, ऐसा इंटरव्यू चल रहा था जैसे मैं बोलूँ, उन्होंने बोला था कि ये सरकार का संकल्प है कि हम 31 दिसंबर 2023 तक 32,000 ग्रुप सी की भर्तियां पूरी करेंगे, तो मेरे को तो उनका संकल्प पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। सरकार एक सॉफ्टवेयर कॉर्नर ले रही है कि हम 9 ग्रुप हैं जिनके अंदर 4 गुना से भी। आप कौन से ग्रुप की तैयारी कर रहे हो? मैं LMSA ग्रुप नंबर 22 में हूँ, ग्रुप 22 एस्पिरेंट हूँ। और आप कब आए थे यहाँ? मैं 7 तारीख से यहाँ। 7 तारीख के बाद आपसे कोई सरकार का या HSSC का कोई सदस्य मिलने आया? कोई नुमाइंदा नहीं मिलने आया। आपने कोशिश की मिलने की? हमने कोशिश पहले तो हमने कोशिश की अपने सभी जो छात्र हैं इनकी, जो जैसे आपने बताया ना कि 56-57 में जुड़े हुए हैं, हम सब ने पहले तो अपना काम ये किया है, हम यूनिटी में आए हैं कि हमने उनको किया है भाई ये दूरी मिटाओ, 56-57 का जिक्र नहीं, ये जिक्र करो आप 32,000 का। आज किसी से मिलने की उम्मीद है? क्योंकि आज संख्या दिखा दो एक बार, आप आज बच्चे भी कुछ ज्यादा हैं। हाँ। तो आज कोई उम्मीद है मिलने की या कोई मुलाकात मीटिंग की? बिल्कुल, आज हमारे जो सारे साथी आए हैं प्रत्येक ग्रुप से हैं, जो सारे ग्रुप से 32,000 की पोस्टेज में हैं, उन सब की एक ही मांग है कि सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी से बातचीत हो और हमें बातचीत करके आश्वासन ही कर्मात्मक जो कार्रवाई है जो जिसका पोटेंशियल हो, जैसे ये सरकार ने सॉफ्ट कॉर्नर ले रखा कि हम 9 ग्रुप हैं ऐसे जिनमें 4 गुना से कम बच्चे। मुद्दा तो वो भी है, 56-57 का भी एग्जाम हो चुका है उसका, लेकिन जिन्होंने 56-57 का पेपर दिया है अब उनकी क्या गलती है? हालांकि गलती किसी की भी नहीं है, 32,000 जो वैकेंसी है वो पूरी जो होनी चाहिए टाइम अनुसार वो हो नहीं रही, लेकिन कोर्ट के अंदर जो हमारी मांग है, मेन मांग ये है कि कोर्ट के अंदर एटलीस्ट पैरवी तो अच्छे से हो, वो पैरवी नहीं होती, कभी फी जमा नहीं होती और कभी सर्विसेज कंप्लीट नहीं होती। इनके अलावा और भी भर्तियां हैं जो कोर्ट में अटकी, जैसे TGT की बात कर ले है ना, और बहुत सारी हैं वो भी कोर्ट में अटकी हुई है उनकी वजह से, वो तो सिर्फ रिजल्ट जारी करना रहा है उनका, तो वो भी सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर अन्य मुद्दे को लेकर बहुत सारी भर्तियाँ कोर्ट में है, तो इन भर्तियों को जल्दी निकाला जाए आपके हिसाब से बाहर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं सरकार को बोलना चाहूँगा, अगर सरकार अगर ये सोच रही है ना कि वो इन चीज़ का बेनिफिट इलेक्शन के टाइम पर ले लेंगे, लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे बच्चा उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा, और जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा आपको मतलब कि माहौल जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाएगा, तो इसी वजह से जितना जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चा बीच में नहीं अटकना चाहता, क्योंकि बच्चे के या तो एग्ज़ाम चल रहे हो या कुछ आगे प्रोसेस आगे बढ़ रही हो, कुछ DV कंडक्ट किया जा रहा हो, लेकिन प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगी तो बच्चा डिमोरलाइज होगा, और डिमोरलाइज होगा तो जिस चीज़ का वो बेनिफिट लास्ट में इलेक्शन के टाइम पर लेने की कोशिश सोच रहे हैं वो उनको नहीं मिलेगा। ये मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ। एक बार स्टॉप कर दो, वैसे रोक लेना, आ जाओ बाकी इधर आइयो भी एक बार थोड़े। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सभी नारे लगा कर और पुकार कर रहे हैं कि कोर्ट से भर्ती को बाहर निकाली जाए। जिंदाबाद युवा शक्ति, जिंदाबाद छात्र शक्ति, जिंदाबाद हरियाणा का युवा करे पुकार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, बेरोजगार युवा की
तो देखो भाई, सारे जितने भी देख रहे हैं हरियाणा के, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपरों में आपको कहीं इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, अपने को पता है एक एक चीज़ का भाई किस तरह से क्या क्या कमियां है कहां पर है, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर चेयरमैन साहब का इंटरव्यू भी लिया जाता है तो एक ऐसा बंदा जाता है जिसको सीटी की फुल फॉर्म पता नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा या कोई मान लो ऐसा यूट्यूबर जो टीचर पढ़ाता हो, ठीक है, वो एक एक चीज़ पूछे डिटेल में, तो फ़र्क है। तो कहीं से मीडिया से भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है अपने को। तो